Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 6 and the chapter name is colonialism and the city. This is your 5th session. तो बच्चों हम लोग class 8 का subject history discuss कर रहे हैं और इसमें हम लोग chapter number 6 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है colonialism and the city और ये आपका 5th session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार brief recap कर लेते हैं कि हम लोगों ने last class में क्या-क्या complete कर लिया था. After that, we will continue with our discussion. Okay? So, in our last class, if you remember, we talked about the planning of a new capital. Right? हम लोगों ने देखा किस तरीके से पहले तो हम लोगों ने शाहजहांबाद के बारे में बात किया. That was built by शाहजहां. Right? उसके बाद हम लोग British India की बात कर रहे हैं. So, we saw that at first the capital of British India was in Calcutta. But it was only after 1911. It was in 1911 दरबार. जैसे हम लोगों ने last class में देखा कि it was decided to shift the capital from Calcutta to New Delhi, right? उसके बाद हमने देखा कि New Delhi was started, the construction of New Delhi was basically started after that, and finally it took 20 years to build this new capital. And after that we saw the differences कि पहले New Delhi में जैसे हम लोग राष्ट्रपति भवन के बारे में देखा, that is present day राष्ट्रपति भवन, उस time पे Viceroy's Lodge हुआ करता था, and we also saw the King's Way, that is the Rajpath today, right? तो ऐसे बहुत सारी changes हमने देखे कि it was taking place when this new city was being build up. Okay? आज की क्लास में हम लोग कुछ और फीचर्स देखते हैं अबाउट न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 इयर्स टू बिल्ड. तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि पूरा 20 साल लग गया था ये पूरा न्यू दिल्ली को बनाने में. ओके? सो द आइडिया वाज टू बिल्ड अ सिटी दैट वाज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू शाहजहांबाद. तो आपको याद होगा जब हम लोग शाहजहांबाद के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. वी सॉ अबाउट द रेड फोर्ट, राइट? पूरा एक पैलेस था एंड सराउंडेड बाई दिस पैलेस देयर वर मॉस्क and also palaces, and apart from that बहुत सारे gardens थे. फिर हम लोग ने बहुत ही crowded बाजार के बारे में पढ़ा जो हमारा चांदनी चौक था, फैज बाजार था. तो ऐसे बहुत सारे चीजें हमने देखा, right? तो अब जो हमारा न्यू दिल्ली बन रहा था बच्चों, that the British were constructing, और उसके लिए architect कौन थे? So there were two architects that were brought down to build this new city. One was Edward Lutyens and the second was Herbert Baker. Please remember these points, okay? तो अब जो न्यू दिल्ली जो बन रहा था बच्चों, जो नया सिटी कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ये पूरा आइडिया था कि बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए शाहजहांबाद का. ओके? यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं आपको राजपथ के बारे में बता रही थी, तो ये देखो दिस इज द राजपथ एरिया बच्चों, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन हियर एंड दीज आर द टू सेक्रेटरी बिल्डिंग्स दैट इज सराउंडेड बाय दिस एरिया. ओके? उसके बाद बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये जो नया न्यू सिटी का न्यू सिटी जो बन रहा था एज न्यू दिल्ली, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शाहजहांबाद. ओके? दैट इज द ओल्ड दिल्ली. सी, इन न्यू दिल्ली देयर वर टू बी ब्रॉड स्ट्रेट स्ट्रीट्स लाइन विद स्पॉलिंग मैशंस सेट इन मिडिल ऑफ लार्ज कंपाउंड्स. तो बेसिकली बच्चों जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट शाहजहांबाद, तो उसमें जैसे आप लोग चावड़ी बाजार या चांदनी चौक ऐसे जो उस टाइम के एरियाज थे, जैसे आपको मैं इस पिक्चर में दिखा रही हूँ, तो ये देखो ये बहुत ही क्राउडेड एरिया है. ओके? बहुत सारे घर है, कुछ एकदम स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं था जिसके हिसाब से बन रहा था. ओके? एंड ऑल्सो देयर वर सो मेनी पीपल हु वर लिविंग इन दीज एरियाज. बट व्हाट हैपेंड व्हेन न्यू दिल्ली वाज बीइंग बिल्ड अप, सो इट वाज डिसाइडेड दैट इट देयर हैज टू बी सम ब्रॉड स्ट्रेट स्ट्रीट्स. ओके? बहुत ही चौड़े चौड़े स्ट्रीट्स होने चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट लेन होना चाहिए, बहुत सारी मैंशंस होना चाहिए दैट वाज टू बी सेट इन दीज लार्ज कंपाउंड्स हियर. ओके? जैसे मैं आपको देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको एक डिफरेंट एरिया दिखेगा. Now this area was built in New Delhi. Okay? ये आपका ओल्ड दिल्ली का एक पार्ट है. आप देख सकते हो कितना ही डिफरेंट है ये दोनों एरिया, है ना? यहाँ पे आप स्ट्रीट्स देखो कितना ब्रॉड है. Now that is the whole idea, जैसे न्यू दिल्ली को बिल्ड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था. ओके? Also the architects wanted New Delhi to represent a sense of law and order in contrast to the chaos of old Delhi. तो बच्चों जब भी हम लोग ओल्ड दिल्ली की बात कर रहे हैं, आज के डेट पे भी, इवन टूडे वेन यू विल विजिट ओल्ड दिल्ली, आपको बहुत ही क्राउडेड एरिया दिखेगा. ओके? उस टाइम पे आप सोचो जो भी बाजार्स थे, आज के डेट पे भी आपको वो बाजार्स दिखेंगे, बहुत ही आपको देख के लगेगा दैट दिस इज सम ओल्ड प्लेस, राइट? कि आप किसी पुराने जमाने में आ गए हो. तो आज के डेट पे भी आप चांदनी चौक जाओगे, चावड़ी बाजार जाओगे, फैज बाजार जो पूरा एरिया है बच्चों, वो जामा मस्जिद का जो पूरा एरिया है, अभी तक वैसा ही है जो उस टाइम पे जिस तरीके का लगता था, बहुत ही ओवर क्राउडेड. तो देयर वाज बेसिक डिफरेंस जब न्यू दिल्ली बन रहा था. तो आप देखोगे अब जो न्यू दिल्ली का पार्ट आप विजिट करोगे, वहां पे आपको सिर्फ ट्रीज दिखेंगे, ब्रॉड ब्रॉड रोड्स दिखेंगे, स्ट्रीट्स दिखेंगे, बिल्कुल बड़े बड़े लेन्स दिखेंगे,
और चारों तरफ आपको ट्रीज देखेगा. ओके, देयर इज अ बिग यू नो कॉन्ट्रास्ट इन दिस टू प्लेसेस. ओके, नाउ ऑब्वियसली जो भी आर्किटेक्ट्स थे जैसे हमारे एडवर्ड ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर, सो दे डेफिनेटली वांटेड कि जो न्यू दिल्ली बन रहा है दैट शुड यू नो शो अ सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. क्योंकि उनके हिसाब से जो ओवर क्राउडेड एरिया था, दीज प्लेसेस इट शोड दैट दिस वॉज टोटल कैओस, मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग एरिया था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. ऑल्सो बहुत ही अनहाइजेनिक उनको लगता था ये पूरा ओवर क्राउडेड एरिया. ओके, सो न्यू दिल्ली हैड टू हैव बेटर वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज दैन द ओल्ड सिटी. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओवर क्राउडेड एरिया जो उनको लगता था कि ओल्ड दिल्ली का है, ब्रिटिश पीपल दे थॉट दैट इट वॉज वेरी अनहाइजेनिक एंड ऑल्सो पीपल वर नॉट फॉलोइंग सम क्लीनिनेस देयर. ओके, सैनिटेशन और ये सब बहुत ही अच्छा नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, तो उनके हिसाब से ये सारी चीजें चेंज होनी थी. तो आप देख रहे हो कैसे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि शाहजहानाबाद में उस टाइम पे जो ओल्ड सिटी था वो ओवर क्राउडेड, ऑल्सो पीपल देर वॉज लॉ एंड ऑर्डर तो था बट जो ब्रिटिश के हिसाब से दैट लॉ एंड दे थॉट कि पूरा ओवर क्राउडेड एरिया, दिस डिड नॉट शो अ सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. इसलिए न्यू दिल्ली जब बन रहा था तो बिल्कुल एरियाज जो थे बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बन रहे थे एंड ऑल्सो द स्ट्रीट्स वर वेरी बिग एंड ब्रॉड एंड स्ट्रेट लेन्स वर देयर इन ऑर्डर टू शो दैट दिस इज प्रॉपर इन सेंस टू शो यू नो दैट लॉ एंड ऑर्डर इज एग्जिस्टिंग इन दिस प्लेस. ओके, ऑल्सो वाटर सप्लाई भी काफी अच्छा होता था, सीवेज डिस्पोजल की उस टाइम पे जैसे जो भी गंदगी होती थी उसको उसका डिस्पोजल जो करना था दैट वॉज ऑल्सो सीन कि उसको अच्छे तरीके से किया जाए. ड्रेनेज फैसिलिटीज को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी इन द न्यू सिटी और द न्यू दिल्ली दैट वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड. ओके, ऑल्सो इट हैड टू बी ग्रीन विथ ट्रीज एंड पार्क्स इंश्योरिंग फ्रेश एयर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. दैट आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन कि जब आप न्यू दिल्ली जाओगे, न्यू दिल्ली के जो भी एरियाज देखोगे बच्चों, जैसे मैं आपको बता रही हूँ जो आपका साउथ दिल्ली है. ओके, बिकॉज हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग ओल्ड सिटी था उसके साउथ में ये पूरा न्यू दिल्ली का पूरा ये बनना शुरू हुआ था अटॉप एट द टॉप ऑफ द रायसेना हिल. राइट, तो आप देखो कि उस एरिया में जब भी आप जाओगे यू विल सी ग्रीनरी देयर. हर एक रोड पे आप देखना बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज आपको मिलेंगे. ऑल्सो बहुत बड़े बड़े ब्रॉड रोड्स है, बहुत ओवर क्राउडेड एरिया नहीं रहेगा, बहुत ही शांत और पीसफुल एरिया रहेगा. एंड व्हाई वाज इट डन कि इतने सारे पौधे, इतने सारे प्लांट्स क्यों, इतने ट्रीज क्यों प्लांट किए जा रहे थे? ऑब्वियसली टू इंश्योर फ्रेश एयर, टू शो दैट दिस एरिया इज टोटली क्लीन एंड ऑल्सो देयर शुड बी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो आप देख सकते हो उनके लिए क्लीनिनेस, उनके लिए सैनिटेशन और ये सब कितना इंपॉर्टेंट था. ब्रिटिश पीपल वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दी सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस थिंग्स. ओके, नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज एन एरियल व्यू ऑफ योर दिल्ली. ओके, आप देखो कि आपको ये पूरा न्यू दिल्ली जो आपका है बच्चों, ये पूरा एरियल व्यू आप देखो कितने सिस्टमेटिक ढंग से आपको रोड्स दिख रहे हैं, आपको ग्रीनरी भी यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं, है ना. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन. ओके, तो बच्चों क्या आपको पता है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म पार्टीशन. तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, क्या आपको पता है उस टाइम पार्टीशन भी हुआ था. नाउ दिस वॉज वन हेल ऑफ अ बैटल बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स दैट टुक प्लेस. राइट, जब आप पार्टीशन के बारे में पढ़ोगे आप देखोगे देयर वर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु वर किल्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. एंड व्हाई वाज दिस हैपनिंग, बिकॉज द मुस्लिम्स हु वर लिविंग इन इंडिया दे वर डिमांडिंग अ न्यू कंट्री, दे वर डिमांडिंग अ न्यू प्लेस टू लिव इन एंड फाइनली एवरीवन हैड टू गिव अप. द नेशनल लीडर्स हु वर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, एवरीवन हैड टू गिव अप फॉर इट एंड इंडिया वॉज पार्टीशन. और उसके बाद देयर वॉज द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान. राइट, तभी आप देखो कि इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम एक नया कंट्री, एक एज अ न्यू कंट्री इट इमर्ज्ड, एज अ न्यू नेशन इट इमर्ज्ड. राइट, आज के डेट पे पाकिस्तान इंडिया के आपको नेबरिंग कंट्री में ही मिलेगा. राइट, इट इज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, बट पहले वो इंडिया का पार्ट था. लेकिन आफ्टर 1947 पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ न्यू नेशन और इंडिया अगेन इट वॉज अ अनदर नेशन. राइट, तो अब बच्चों हम लोग पार्टीशन के बारे में पढ़ते हैं. लेट अस सी कि हाउ डिड, जैसे हम लोग न्यू दिल्ली के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़े. राइट, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द ओल्ड सिटी, द ओल्ड दिल्ली. अब हम लोग देखते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था, ये पूरा सिनेरियो कैसे चेंज होने लगा था. एट दैट टाइम व्हेन द होल कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस, पूरा एक नया दिल्ली एज अ न्यू कैपिटल वॉज बिल्ड अप. What happened after 1947 and how it affected the lives of people who were living in Delhi. Okay, so the partition of India in 1947 led to a massive transfer of populations on both sides of the new border. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, जैसे partition हुआ था,
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर बना था. ओके, नाउ द पीपल, द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स हु वर लिविंग इन इंडिया, दे हैड टू शिफ्ट और माइग्रेट टू पाकिस्तान. और पाकिस्तान के साइड पे उस टाइम जो प्रेजेंट टाइम पे वो इंडिया का पार्ट था, सिंध और वो सारे रीजन थे. तो बच्चों, तो वहां से जितने भी हिंदूज पंजाबी सिख्स रहा कर रहे थे, तो वो सिख्स पंजाबीज और हिंदूज को इंडिया में माइग्रेट करना था. एंड इन दिस प्रोसेस पीपल वर फाइटिंग अमंग ईच अदर एंड देयर वर सो मेनी लाइव्स दैट वर लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक्चर में कैसी बहुत सारे लोग, ट्रेन में जगह भी नहीं थी, बट द होल ट्रेन वॉज फॉलिंग विद पीपल. यहाँ से वहां लोग बिल्कुल किसी भी तरह कोई भी हालत में अपनी जान को बचाने के लिए, दीज पीपल देवर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस बॉर्डर टू द नेक्स्ट बॉर्डर, राइट, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया, वो लोग माइग्रेट कर रहे थे. सो देर वॉज दिस मैसिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन. ओके, सो डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, फियर्स रॉइटिंग बिगैन. थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिल्ली वर किल्ड एंड देयर होम्स लूटेड एंड बर्न. तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे इतना ज्यादा वायलेंस इरप्ट हो गया था दैट इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल. जितने भी नेशनल लीडर्स थे दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस वायलेंस. हर एक रीजन में आप देखो, मान लो अगर हिंदूज थे तो वो मुस्लिम्स के घर को चला रहे थे, अगर मुस्लिम्स थे तो वो सिख्स और पंजाब या डिफरेंट रीजन में जहां भी वो लोग रह रहे थे वो हिंदूज के घर चला रहे थे. तो पूरा एक कम्युनलिज्म का पूरा एक माहौल बन चुका था, पूरा एनवायरमेंट बहुत ही फियर्स हो चुका था. आप इस पिक्चर में देख सकते हो ऑल द पीपल, दे आर बर्निंग द रोड्स, दे आर बर्निंग द हाउसेस, और जितनी भी चीजें थी, शॉप्स बर्न हो रहे थे. तो बहुत ही गंदा माहौल बन चुका था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टीशन एट दैट टाइम. ओके, नाउ मिलियन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिल्ली. नाउ वो लोग अगर बॉर्डर पार भी कर रहे थे तो उस टाइम पे बहुत लोग एक रिवेंज के बदले में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, हिंदूज मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम्स हिंदूज को मार रहे थे. ओके, सो होम्स ऑफ मुस्लिम्स लीविंग दिल्ली फॉर पाकिस्तान वर ऑक्यूपाइड बाई हिंदूज सिक्स रेफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान. तो पाकिस्तान से जो भी लोग आ रहे थे बच्चों, तो इंडिया में उनको रेफ्यूज लेना पड़ रहा था. सो ऑल दीज होम्स जो मुस्लिम छोड़ के जा रहे थे उसको कौन ऑक्यूपाई कर रहा था? सो इट वॉज बींग ऑक्यूपाइड बाई हिंदूज सिक्स एंड ऑल. ओके, ऑल्सो ओवर टू थर्ड ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड, ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वर अबैंडन्ड, टेररिस्ट मुस्लिम्स लिव्ड इन मेकशिफ्ट कैंप्स till they could leave for Pakistan. Okay, तो बच्चों आप दिल्ली में देखो कि over two third of Delhi Muslims, मतलब two third people they had to move. ये दिल्ली में जितने Muslims रह रहे थे, इतने लोग को यहाँ से migrate करना पड़ा to Pakistan. Almost 44,000 homes were abandoned. तो जैसे एक side हम लोग construction की बात कर रहे हैं about New Delhi, तो उस time पे आप देखो कि कुछ changes, कुछ events की वजह से कैसा impact पड़ रहा था. एक तो हमने 1857 revolt के बारे में देखा. अब हम लोग 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे दिल्ली पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा था वो आप देखो. ठीक है, यहाँ पे देखो उससे भी बहुत ही बड़े इम्पैक्ट पे ये हो रहा था, राइट. सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दिस इज द मेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट. 1847 आफ्टर इंडिपेंडेंस अगेन दीज वॉइटिंग्स बिगैन. ओके, सो मुस्लिम्स दे हैड टू लिव इन कैंप्स, जो उस टाइम पे रेफ्यूजी कैंप्स हो रहे थे. जब तक वो लोग पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे थे उनको इन सारे एरियाज में रहना पड़ रहा था. At the same time, Delhi became a city of refugees. मतलब पाकिस्तान से जो हिंदूज सिख्स आ रहे थे, obviously किसी के पास घर नहीं था, सारे घर को तोड़ा जा रहा था. They people were burning all these houses. तो obviously there was shortage of houses and population was increasing at one side and decreasing on the other side. तो पूरा chaos का माहौल हो चुका था उस time पे. Okay? Nearly 5 lakh people were added to Delhi's population. तो उस time देखो, एक side पे आप देख रहे हो कि 44,000 homes were abandoned. Okay? लेकिन 5 लाख लोग थे बच्चों जो दूसरे रीजन से, पाकिस्तान से, वो दिल्ली में आके रह रहे थे. ऑब्वियसली अब पॉपुलेशन में आप चेंज देख रहे हो, और हम लोग देख रहे थे न्यू दिल्ली जो बन रहा था, तो इट वाज नॉट दैट क्राउडेड. अब आप देखो पूरा सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है. यू कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल, द विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन, द पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन रोड, दे आर लुकिंग फॉर कैंप्स, रिफ्यूज कैंप्स, जहां पे वो लोग जाकर रह सकते थे टू सेव देयर लाइव्स. ओके, ऑल्सो न्यू कॉलोनी सच एज लाजपत नगर एंड तिलक नगर केम अप एट दिस टाइम. तो बच्चों अगेन आई एम टेलिंग यू, जब आप दिल्ली में आओगे तो अब दूसरे रीजन पे ऑब्वियसली नाउ द पीपल वर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था. पीपल स्टार्टेड लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एरिया से वो लोग आ रहे थे, जा रहे थे. सो डेफिनेटली बहुत सारे छोटे छोटे कॉलोनीज थे दैट वॉज बी दैट इमर्जिंग अप. उसमें से एक दो एग्जाम्पल्स है लाजपत नगर का, जो आप अगेन साउथ दिल्ली जाओगे तो आपको मिलेगा. तिलक नगर आप देखो, अगेन व्हेन यू कम टू दिल्ली यू कैन सी ऑल दीज प्लेसेस. आज के डेट पे यहाँ पे बहुत सारे लोग
they are living here, all the people who have migrated from Pakistan, आज के डेट पे वही लोग वहां पे रहते हैं, लाजपत नगर में, तिलक नगर में, okay? So shops and stalls were set up to cater to the demands of the migrants. Schools and colleges were also open. तो obviously पूरा chaos के माहौल में भी देखो कि उस time पे लोग they were coming up together और बहुत सारे shops खोले जा रहे थे, stalls खोले जा रहे थे, schools भी खोले जा रहे थे, colleges भी खोले जा रहे थे, right? And you can see the camp here where the people were living, the victims of partition were living in these areas, okay? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? Basically we talked about New Delhi. कि it took 20 years to build this New Delhi, right? और we also saw that the main idea of the architect was to build this city in stark contrast with that of Shahjahanabad. Shahjahanabad में हमने देखा the area was overcrowded और उनको लगता था the people are very unhygienic, cleanliness नहीं होगा, law and order maintained नहीं होगा if the area is overcrowded. Therefore, New Delhi जो बना था वहाँ पे काफी broad और long long streets थे, चारों तरफ trees आपको दिखेगा and also law and order was tried to maintain. और बहुत बड़े बड़े रोड्स मैंशन आपको दिखेंगे, राइट? एंड ऑल्सो देन वी टॉक्ड अबाउट द लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन. कि एक तो हमने रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा कि उस टाइम रिवॉल्ट की वजह से दिल्ली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था. अब हम लोग पार्टीशन का देख रहे हैं कि पार्टीशन की वजह से दिल्ली के पॉपुलेशन में और दिल्ली के टाइम पे मतलब जो नए नए जगह बन रही थी और कौन कौन नए जगह आ रहे थे, कौन कौन जगह बर्बाद हो रहे थे. सो ऑल दीज थिंग्स दे वर एडिंग अप टू द दिल्लीज होल न्यू कैपिटल दैट वॉज बिल्डअप और उसके बाद कैसे सिनेरियो चेंज हो रहा था, ओके? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टीशन के बारे में और पढ़ेंगे. देन वी विल लुक एट इनसाइड द ओल्ड सिटी, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.